लेकर आए हैं आपके लिए मेंसुरेशन में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, अर्धगोला, गोला। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, इस तरह के टॉपिक से आप फार्मूला इसके बारे में आप फार्मूला आप कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं, इस पर जितने भी फार्मूला क्रिएट होते हैं वो सब बताने वाले हैं, क्योंकि ये मेंसुरेशन का सबसे जो है टफ टॉपिक है और काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे सीटेट का क्वेश्चन हो, एग्ज़ाम हो, एपीटेट का हो, बीटेट का हो, एसएससी, रेलवे, सीजीएस, तमाम पोस्ट एग्ज़ाम के जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ पे हाई स्कूल तक के 20 मैथ पूछे जाते हैं, उसमें जो है इस तरह के कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से लागू होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं, पहले यहाँ पे आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बताने वाले, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। पहला हम शुरू करेंगे घन के बारे में। तो घन का आयतन भुजा की होता है, और भुजा निकालेंगे तो आयतन कर देंगे। ध्यान हो कि यहाँ पे 3 लिखना कंपल्सरी है, नहीं लिखेंगे तो नंबर काट लिए जाएंगे। और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² यानी कि 6 × भुजा² वक्र पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र 4 × भुजा² माने 4a² और घन का विकर्ण रूट 3 × भुजा होता है। तो ये घन का कंसेप्ट है, घन ऐसे बनता है। अगर आपको घन बनाना नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, घन एक तरह से वर्ग होता है और इसी दो वर्गों को कनेक्ट करके हम लोग घन को बनाते हैं। देखते चलिए कैसे मैं घन को बना रहा हूँ, आप देखिए ऐसे, ओहो ऐसे बनेगा। ये आपने छोटा क्लास में आपने सीखा होगा, फिर भी कुछ लोग को फिगर नहीं बन पाता है, 3D है ना, 3D में थोड़ा सा दिक्कत होता है, मैं आपको सिखा दिया। अब आइए आपको हम बताते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ का आयतन L × B × H होता है, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है गुणे में। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × L + B × H होता है, जिसको कमरे का भी क्षेत्रफल कहा जाता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL होता है, मैं लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई होता है। अच्छा, इसका विकर्ण जो है √L² + B² + H² होता है। तो ये घनाभ का कंसेप्ट, इसका फिगर देख लीजिए ऐसे होता है। बेसिकली घनाभ जो होता है यह एक तरह के आयत होता है ना, आयत होता है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये आयत पर बनाए जाते हैं, ये आयत को, दो आयत को कनेक्ट करके हम लोग घनाभ जैसे टॉपिक को क्लियर करते हैं। ये देखिए, तो ये बिल्कुल ईंट की जैसा होता है, ये घनाभ होता है और इसमें लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होता है, बट घन में सभी भुजाएं बराबर होती है। तो ये समझने की ज़रूरत है, मैंने आपको फार्मूला दे दिया। आइए आपको बताते हैं गोले के बारे में। देखिए बेसिकली इस तरह के वीडियो जो है, अब फार्मूला का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, जिसमें मैंने 10 वीडियो दिया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको मैंने सब चीज़ अपलोड किया है। जितने भी कंपटीशन टाइप से जो कंपटीशन लेवल पर जो एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें फार्मूला पूछे जाते हैं और किन किन टॉपिक पर जो है क्वेश्चन आते हैं, उसका मैंने फार्मूला का एक सीरीज तैयार किया है, जो एक प्लेलिस्ट के माध्यम से दिए हैं, लिंक सबका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उस सबको देख लीजिएगा। इसे देखने से क्या होता है कि फार्मूला जब याद होता है तो हमें एग्ज़ाम में जल्दीबाजी क्वेश्चन बनाने में काफ़ी सहूलियत होती है, और नहीं तो ऐसे तो मेथड है कोई भी क्वेश्चन को बनाने का, अगर फार्मूला नहीं भी है तब भी इस तरह के सवाल को बनाने का मेथड होता है, लेकिन फार्मूला याद हो तो कहीं वो काम बड़ी ही चटपट और आसानी से बन जाता है। तो आइए हम अब गोले पर बात करेंगे। गोले का आयतन 4/3πr³ होता है, और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² कहिएगा गोले का दोनों एक एक होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सोचा है, गोले का दोनों एक ही होता है, वक्र और पार्श्व, चूँकि गोले में एक ही जो है पार्ट हो पाते हैं, ठीक है ना। सिर्फ वक्र लाइन से बना हुआ एक शेप होता है, जिसमें सिर्फ रेडियस होता है और उसके बाद और कुछ होता ही नहीं है, इसलिए इसका दोनों एरिया एक ही हो जाते हैं। आइए आगे हम बात करते हैं अर्धगोला के बारे में। तो अर्धगोला जो है गोला का बिल्कुल आधा होता है, तो इसका आयतन लेंगे तो 2/3πr³ होगा। देखिए यहाँ पर 4 था, इधर गया भाई, यहाँ पे 4/3 था। अब देखिए जब अर्धगोला करिएगा तो आधा 2 से भाग कर दीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी इसी का ये पार्ट होता है। तो अर्धगोले का आयतन 2/3πr³ होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² होता है।
अब आइए दोनों का फिगर देख लीजिए। फिगर कुछ ऐसे है, फिगर आपको बनाना आता ही है बिल्कुल। और अब बात करेंगे बेलन के बारे में। तो बेलन का वक्र आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, और बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। आपको हम एक बात बता देते हैं कि जब वक्र बोला जाता है तो ये दोनों वृत्ताकार पार्ट है, इसको नहीं जोड़ा जाता है। ये नीचे वाला जो सर्किल के जैसा है वृत्ताकार पार्ट है, ए और ये नीचे दोनों के एरिया को नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ आपको किनारे वाला पार्ट को, बिल्कुल ऐसे जो ये देख रहे हैं ना मार्कर, ये किनारे वाला का टोटल निकाला जाता है तो वक्र होता है। लेकिन जैसे हम दोनों के जो है वृत्ताकार पार्ट को निकालेंगे तो वो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि कब वक्र लगेगा और कब पार्श्व लगेगा, सॉरी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा। अच्छा, अब इसका फिगर है, बेलन जो है एक पाइप के जैसा होता है। आइए शंकु का कुछ फार्मूला है। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का त्रियक लंबाई एल रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अच्छा, एक बात समझने की ज़रूरत है कि जब हम शंकु के बारे में पढ़ते हैं तो शंकु का फिगर कैसा होगा, कुछ यहाँ ऐसे होगा, एकदम बिल्कुल कैप के जैसा होता है, या कीप जो तेल भरने वाला होता है उसके जैसा होता है। तो इसमें ये वाला जो तिरछा जो है ना, इसको ही तिरक लंबाई कहा जाता है, और ये जो खड़ी लाइन है इसको ऊंचाई कहा जाता है, बाकी यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को त्रिज्या कहते हैं, और बाकी ये टोटल व्यास होता है। तो ये कंसेप्ट था मेंसुरेशन का, मेरा सरफेस भोल सरफेस और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पर, जिसमें हमने घन घनाभ बेलन और अर्धगोला गोला, और उसके बाद आपके शंकु जैसे टॉपिक को मैंने कंसेप्ट को क्लियर किया, फार्मूला को क्लियर किया। इसके बाद अगला जो मेरा वीडियो होगा जो इससे बेस्ट इससे सगे जो है क्या होगा, क्वेश्चन होगा। तो अगला वीडियो मेरा क्वेश्चन से देखिए। इस वीडियो को उन बच्चों को शेयर करिए जिसकी इसका ज़रूरत है, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप किस टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं वो भी बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।